हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे, आज हम जो सीखेंगे, आज वो सीखेंगे दोस्तों एक थर्मोस्टेट के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये एनालाइज़ किया है दोस्तों कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मतलब वीडियो उनको पसंद आती है, तो दोस्तों वो लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों लास्ट में लास्ट तक ये वीडियो देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और जितने व्यूज होंगे उतने लाइक आने की मेरे को उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। जो आप देख रहे हैं इसको हम थर्मोस्टेट बोलते हैं, जो कि हमारी आउटलाइन, जो कि हमारा इन, मतलब के ठंडा पानी यहाँ से जाएगा, और ये जो पाइप है हमारा आउट, जिसमें कि गर्म पानी आता है। आपका यहाँ भी हो सकता है थर्मोस्टेट, और वरना यहाँ पे भी हो सकता है, किसी भी जगह पे आपका ये थर्मोस्टेट हो सकता है। बस आपको इसको सही तरीके से चेक करना है। और सबसे पहले चेक करने से पहले मैं इसमें आपको बता दूँ कि इसमें ये दिक्कतें क्या क्या आती हैं अगर ये ख़राब होने की स्थिति में हो। तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है दोस्तों इसमें ये आती है कि आपका अगर गीज़र ऑन नहीं हो रहा है, मतलब कि आपकी चिप भी आपने चेक कर ली, चिप ओके है, यहाँ से चिप का कनेक्टर आपको हटा के और आपने यहाँ से पेचकस की मदद से दोनों को आपस में मिला के आपने देख लिया, फिर भी आपका ऑन नहीं हो रहा है, तो आप इसको चेक कीजिए। इसको चेक कैसे करते हैं वो अभी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसके बारे में दिक्कत बताता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या क्या आती है अगर ये ख़राब होता है। तो जब कभी भी आपका ये थर्मोस्टेट ख़राब होगा तो दिक्कत जो आएगी, सबसे पहली दिक्कत ये आएगी कि आपका जो गीज़र है वो हमेशा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, या सपोज कर लीजिए 10 मिनट के बाद अगर वो बंद हो रहा है। सपोज कर लीजिए आपने टंकी का नल खोला और वो 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद वो बंद हो जाता है, फिर आपने नल वो मतलब बंद कर दिया, फिर वो 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद दोबारा उसको ऑन किया तब वो चालू होता है। मतलब कि जैसे ही आपने नल चालू किया और वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद वो बंद हो जाता है, फिर वो 2 मिनट के वेट लेने के बाद, मतलब ठंडा होने के बाद, फिर वो चालू होता है। तो ऐसी अगर कभी भी कंडीशन आए 10 मिनट में या 5 मिनट में बंद होके वो ऑन करना पड़ता है बार बार, तो उस कंडीशन में हमको ये थर्मोस्टेट चेंज कर देना है। अगर आपको चेक करना है कि वो किस तरीके से मतलब चेक करना है हमें, तो इसको आपको आपस में मिला देना है, फिर आपको टंकी खोल लेनी है, फिर आपको देखना है कि हाँ आप बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी भी आपके साथ ऐसी स्थिति आए कि आपको ये चीज़ की दिक्कत का सामना करना पड़े, तो आपको इसको रिमूव कर देना है। मतलब कि जहाँ जहाँ पे भी लगा हो उसको पेच खोल के आप मार्केट जाइए और नया लेके आइए और इसको रिमूव कर दीजिए। अब मैं इसका बताता हूँ आपको ये चेक किस तरीके से करना है। तो आपको ये थर्मोस्टेट के ये जैक जो हैं, आपके ये जो जैक हैं, इनको हमें आपस में निकाल लेना है इस तरीके से। दोस्तों इनको आपस में थोड़े से टाइट निकलेंगे, इस तरीके से आपको इन्हें निकाल लेना है। तो आपका ये रहा थर्मोस्टेट। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक येलो वाला मीटर है, इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं, इसको सीरीज से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और चीज़ से भी चेक कर सकते हैं। तो इसको हमें लगाना है डाइवोड मोड पे, और पहले हम देख लेते हैं कि मीटर हमारा चालू है या नहीं है, ये हमारा वर्क कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे ये इस तरीके से दोनों पॉइंटों पर हमें लगाना है, तो आप देखेंगे ये कंटिन्यूटी, मतलब के करंट इधर से इधर आ रहा है। तो अगर हमारा ये चीज़ अगर मीटर से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तब आपको ये चेंज करना, मतलब कि ख़राब स्थिति में है। अब दूसरे रीजन में क्या होता है दोस्तों, कि कभी कभी ये दो जो मैंने आपको पहले बताई थी एक प्रॉब्लम, कि हर 10 मिनट में या 1 मिनट में ये अगर ऑटोमेटिकली बंद होता है, फिर आपको मैनुअली हाथ से फिर से इसको चालू करना पड़ता है जब ये ठंडा हो जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, ये इसमें एक पत्ती टाइप की होती है थर्मोस्टेट, अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो इसके अंदर एक पत्ती टाइप की होती है, जो कि हल्की सी यहाँ पे ये वर्क, सबसे पहले मैं आपको भी ये बता दूँ ये वर्क कैसे करता है। तो जैसे कि यहाँ से ठंडा पानी जाता है, यहाँ से जब गर्म पानी निकलता है, तो जब ये हीट होता है, मतलब अब ये पाइप जो है हमारा हीट रहेगा, जब ये पाइप हमारा हीट रहेगा तो ये थर्मोस्टेट है, यहाँ पर इसके गर्मी जाएगी। मतलब कि जब इस तरीके से लगा होगा इस तरीके से, तो ये थर्मोस्टेट क्या करता है, यहाँ पे जब ये पाइप गर्म होता है तो इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे गर्मी जाती है, इसके यहाँ पे जब गर्मी जाती है तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक पत्ती टाइप की होती है, जब वो पत्ती पे गर्माई मिलती है तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाता है। जिस टाइम वो ऑफ होता है तो हमारा गीज़र भी ऑफ हो जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हर 5 मिनट में, 2 मिनट में कभी भी ये ख़राब हो जाता है, बार बार ये ऑन ऑफ अगर होता रहेगा तो ये क्या होता है, हीटिंग पे मतलब इसके अंदर जो पत्ती होती है वो बहुत मुलायम पड़ जाती है, और हल्का सा गर्म पानी आया ये ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। तो अगर आपकी गीज़र में कभी भी ऐसी दिक्कत आए कि हर 5 मिनट में 1 मिनट में बंद होता है, फिर उससे चालू करना पड़ता है, फिर बंद होता है, तो आप इसको सबसे पहले इन दो तारों को जो इसके हैं ये आपस में आप मिला के देख लीजिए, इसमें एक तार बढ़ाइए नंगा और इधर तार बढ़ाइए, आपस में मिल जाएंगे
इनको भी उखाड़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपस में इनमें तार मिलाइए या इनको आपस में जोड़ दीजिए। जब यहाँ से इसको आप आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा ऑन ही रहेगा। तो सबसे पहले आप ये करें, और अगर यही स्थिति में अगर वो सही चलता रहता है तो आप इसको 100% रिमूव कर दीजिए। तो आई होप दोस्तों इसके बारे में आप सीख गए होंगे कि थर्मोस्टेट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में मैंने समस्या भी बता दी कि क्या क्या समस्या आती है इसकी ख़राब होने में। उसके बाद दोस्तों मैं इसके वर्नर के बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं इसकी पूरी सर्विस के बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल जो गीज़र होता है दोस्तों उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, और मैं आपको उसमें भी प्रॉपर एक छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और मैंने देखा दोस्तों बहुत से मेरे व्यूवर्स क्या हैं वो मतलब लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिए, सिर्फ आपका एक अंगूठा ही तो लगना है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जितने व्यूज़ होंगे दोस्तों उतने ही लाइक होने चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो तुरंत कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरीके से नई अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके बाय।